हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राज्यपाल कलराज मिश्र ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को रविवार को अल्बर्ट हॉल जयपुर से झंडी दिखाकर गुजरात में एकता नगर स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए रवाना किया। सीआरपीएफ की यह महिला बाइक टीम एकता और समावेशिता के संदेश के साथ 3 अक्टूबर को सिलोन और श्रीनगर से भारत यात्रा पर निकली है। राज्यपाल मिश्र ने इस अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक दल की बहादुरी और राष्ट्र के प्रति जज्बे की सराहना करते हुए राष्ट्रीय एकता और सद्भाव की इस यात्रा को महती बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ इस तरह के अभियानों से महिला सशक्तिकरण के संदेश का प्रसार अनुकरणीय है। उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक और सिलोंग से जयपुर पहुंची महिला बाइक दल की यात्रा के अनुभव सुनकर इसे महिलाओं के अदम्य साहस की प्रतीक यात्रा बताया। राज्यपाल ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का यह महिला बाइक दल यशस्विनी नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने बाइक दल को आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के राजस्थान क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने सीआरपीएफ के आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले इस तरह के महिला साहसिकता अभियानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने महिला बाइक दल के भारत यात्रा पर अलग अलग स्थानों से निकली सदस्यों के बारे में भी जानकारी दी। इससे पूर्व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के राजस्थान क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा का पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जैज बैंड द्वारा देशभक्ति संगीत का प्रदर्शन किया गया। साथ ही फिट टू फाइट स्पोर्ट्स अकादमी की छात्राओं के द्वारा मार्शल आर्ट का प्रदर्शन एवं महारानी गायत्री देवी बालिका विद्यालय की छात्राओं के द्वारा बैंड कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर जयपुर की लगभग 200 एनसीसी छात्राओं कार्यक्रम में उपस्थित रही। हम यहाँ अल्बर्ट हॉल पर एकत्रित हुए हैं और आज का जो ये कार्यक्रम है ये हमारी यशस्विनी विमेन बाइक एक्सपीडिशन के संबंध में है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3 बाइक एक्सपीडिशंस इन्होंने अपना सफ़र आरंभ किया था, ऐतिहासिक लाल चौक श्रीनगर से, कन्याकुमारी से और मेघालय में शिलोंग से, और पिछले 2 हफ्तों से लगातार 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये महिलाएं जो हैं कल राजस्थान जयपुर में पहुंची, जहां पर इनका पहला स्वागत हमने राजस्थान के बॉर्डर पर बड़ौदा मेयो में किया। वहाँ इनके लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी हमारा सहयोग दिया। उसके बाद ये कनौता में पहुँची जहाँ पर आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इनका भव्य स्वागत किया गया और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और वहाँ की जितनी भी छात्राएँ थीं उनके साथ इन्होंने आपस में वार्तालाप किया, उनके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और साथ ही उसके बाद उनके साथ नवरात्रि के उपलक्ष में डांडिया और गरबा भी किया। तो इस बाइक एक्सपीडिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वह सीआरपीएफ की नारी शक्ति का प्रदर्शन है और साथ ही एकता का संदेश देने का हमारा उद्देश्य है और हम ये चाहते हैं कि इनको महिलाओं को देखकर हमारी जितनी भी छात्राएं हैं, जितनी भी हमारी लड़कियां हैं, वो देश सेवा में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित हों, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए प्रेरित हों और हम पूरे विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि नारी में इतनी शक्ति है और वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। ये 10,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आई और मोटरसाइकिल भी वह मोटरसाइकिल है जो हमारे देश का सबसे भारी और मुश्किल चलाने वाला मोटरसाइकिल है और इन महिलाओं ने देश में जहाँ जहाँ भी कहीं भी किसी भी चुनौती का सामना करने का समय आया, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वह पूर्व उत्तर में भी हाल ही में मणिपुर में हो, तो ये किसी भी तरह से हमारे जांबाज जवानों से कम नहीं थी। ये सभी शस्त्र चला सकती हैं,
कमांडो ऑपरेशंस में हिस्सा ले सकती हैं, भीड़ नियंत्रण कर सकती हैं। आज ये आरएएफ में भी हैं, कोबरा में भी हैं, सीआरपीएफ में भी हैं, और इन्होंने केवल देश के अंदर ही नहीं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के पंचम को फहराया है, लहराया है, इन्होंने विश्व पटल पर भी इस देश के ध्वज को लहराया है, नए आयाम स्थापित किए हैं, काफ़ी ख्याति अर्जित की है, और जो भी चुनौती इनके सामने आई, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के इन्होंने उनका मुकाबला किया है। सर, मेरा एक सवाल था, देश के प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के लिए और भी शक्तियां प्रदान करने के लिए अभी कानून किया है, उनकी जो 33% आरक्षण दिया है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पे हमारी महिलाएं जो हैं वो निरंतर प्रगति करती जाती हैं, करती जा रही हैं, उनका निरंतर सशक्तिकरण होता जा रहा है, और दिन ब दिन हमारे बल में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और आज आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो उड़ान का क्षेत्र हो, चाहे वह मेडिसिन का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, उसमें महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कहीं भी कम नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में हर जगह उनका प्रतिनिधित्व अवश्य बढ़ेगा और वे और ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि कल 21 अक्टूबर को पूरी जितने भी पुलिस बल हैं देश के, उन्होंने पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया, जिसमें कि हम हर वर्ष 21 अक्टूबर को अपने सेनानियों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनका स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और वो ऐसा एक शुभ दिन था जिसपे कि हमारे ये वीरांगनाएं जो हैं वो राजस्थान की वीर भूमि में प्रवेश की है, और आप देख रहे हैं कि इस समय नवरात्रे का त्यौहार मनाया जा रहा है पूरे देश में, और आज अष्टमी की पूजा घर घर में की जा रही है, और दुर्गा के 9 अवतारों को हम मानते हैं, और दुर्गा से बड़ा तो महिला शक्ति का उदाहरण और कोई है नहीं। तो इससे पावन मौका और नहीं हो सकता था, जबकि राजस्थान के वीरों की भूमि में हमने इन वीरांगनाओं का स्वागत किया है, और इन्हें यहाँ पर हमने सम्मानित किया है, और आज इनके आगे के सफ़र में, जो कि 31 अक्टूबर को एकता नगर में, जहाँ पर हमारे प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना की गई है, वहाँ पर इसका समापन होगा। और मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पे, हर वर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ साथ अन्य जितने भी हमारे पुलिस बल हैं, केंद्रीय पुलिस बल, वे वहाँ पर इस उपलक्ष्य में आयोजन करते हैं, और उसी का एक हिस्सा ये है कि 31 अक्टूबर को ये महिलाएँ वहाँ पहुँचेंगी, और इनके द्वारा मोटरबाइक एक्सपीडिशन पर एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी किया जाएगा। थैंक यू सर, आपका नाम बताइए। विक्रम सेगल, आईजी सीआरपीएफ राजस्थान सेक्टर। थैंक यू। यस मैम, बताइए मैम, ये जो प्रोग्राम है और आपकी जो मोटरसाइकिल रैली जो यहाँ से प्रोग्राम रखा है, उसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, हम लोग एकता, समरसता और समावेश का एक नारा लेकर के चले। हम 3 अक्टूबर को 3 टीमें हमारी श्रीनगर से, कन्याकुमारी से और शिलोंग से चली हैं। 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये तीनों टीमें 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता स्मारक पे, एकता नगर गुजरात पहुंचेंगी। हमारा ये बहुत मानना है कि एक यूनिटी और एक इंक्लूसिवनेस की ज़रूरत है, जिसमें आप, हम, हमारी ये आने वाली पीढ़ियाँ, हमसे पहले निकली हुई पीढ़ियाँ यदि मिल करके काम करेंगी, तो आने वाला कल और आने वाला समय इस भारत देश का ज़रूर होगा। मैम, जो प्रधानमंत्री माननीय हमारे देश के, उन्होंने अभी 33% आरक्षण दिया है मातृशक्ति को, और शक्ति और समाज सेवा, देश सेवा करने का मौके के लिए कानून पास किया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मातृशक्ति हमारी जो नारी शक्ति है, उस नारी शक्ति के लिए इस देश में उन्हें अनेकों अनेक अपॉर्चुनिटीज़ मिली। इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़ाते हुए, इनको एक नया समय देते हुए, देश के विभिन्न कोनों की विभिन्न औरतों से, समाज सेविकाओं से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए ये लड़कियां एकता नगर जा रही हैं। ये सब औरतों को एक साथ लेने का सपना है। मैम, ये जो मातृशक्ति अभी जो रैली रैली मोटरसाइकिल रैली में महिलाएं हैं,
आप तो ये मतलब एक ही बटालियन से या अलग अलग सीआरपीएफ के अलावा कोई बटालियन की भी? ये सब सीआरपीएफ की ही अपनी लड़कियां हैं, लेकिन ये देश के विभिन्न प्रदेशों से समावेश रखती हैं, और त्रिपुरा की लड़कियां हैं, मणिपुर की लड़कियां हैं, कन्याकुमारी की भी लड़कियां हैं, गुजरात की लड़कियां हैं, वारंगल की, आंध्र प्रदेश की, जम्मू एंड कश्मीर की लड़कियां हैं। इन सब लड़कियों ने मिल करके एक इंक्लूसिवनेस का नारा लिया है। मेरा नाम नीतू भट्टाचार्य, DIG CRPF। पूछ लीजिए। आपके हाथ में पूरी कमान है मोटरसाइकिल रैली टीम की, जो मातृशक्ति उनकी, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारा आपने देख लिया है, जो अभी DIG मैम ने बताया है कि हम सिर्फ एक, यही हमारा नारा है, पहले महिलाओं का सशक्तिकरण और दूसरा हमारा एकता के ऊपर। तो अभी हम जो बाइक रैली लेके जा रहे हैं वो श्रीनगर से चले थे, और लगभग ये 3 रैलियाँ थी हमारी, और अभी हम जब पहुँचेंगे वहाँ पे तो हमारी 75 बाइक और 150 हमारी बाइकर्स, हम वहाँ पहुँचेंगे। और आपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी जो मूर्ति है उसके ऊपर हम जाके उनको अपने तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और महिला सशक्तिकरण का अगर सबसे अच्छा आपने रूप देखना है तो आप CRP में आके देख लीजिए, क्योंकि 1986 में उन्होंने महिला बटालियन, जो इंडिपेंडेंट महिला बटालियन थी, वो खड़ी कर दी थी। तो तब से ही अपना CRPF का बहुत नाम है और ये महिला सशक्ति के ऊपर काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं उप कमांडेंट तारा यादव। मैं महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की प्रधान अध्यापिका हूँ, अर्चना मनकोटिया। और आज ये कार्यक्रम में CRPF का जो कार्यक्रम रहा उसमें हमारे स्कूल की छात्राओं ने बैंड का प्रदर्शन किया है। हमारा स्कूल अभी 80 साल पुराना हो चुका है, तो शुरू से ही हमारा एक बैंड हमारे स्कूल में सिखाया गया है। और 62-63 में हम लोग राष्ट्रीय दिल्ली भी गए हैं, जब नेशनल रिपब्लिक डे पे बैंड प्रेजेंटेशन होता है, तो एक चलन रहा है, लड़कियां हमेशा बैंड बजाती रही हैं। और 26 जनवरी, 15 अगस्त पे जब भी होता है स्टेडियम में, वहाँ भी जाती हैं। कोई भी विशेष कार्यक्रम होता है, अतिथि का स्वागत करना होता है, हमारी लड़कियाँ उसमें हमेशा उपस्थित होती हैं, और इंटर स्कूल बैंड कॉम्पिटिशन में भी हमेशा पार्ट लेती रहती हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करती हैं हमारी लड़कियाँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। बताइए, आज जो प्रोग्राम हुआ है तो आप किस स्कूल से हैं, आपका बैंड हमेशा किस काम में आता है? Is it okay if I speak in English? Mix. So I come from MGD Girls School, that is Maharani Gayatri Devi Girls School, and we have a band there, that is we are a standing band. So we play in the state parade every year. We play in the state parade. हम लोग वहाँ पे हर साल जाते हैं and we give a presentation there. And recently recognized by the brigadier there as well as here, and we have been invited for this event, as we have also been invited for the national parade. And I would take this opportunity to thank principal ma'am, because she has always been there supporting band, and she's always given us new instruments which are amazing, and she's always given us with opportunities that we are really grateful for. My name is Sanya Sadaf.